लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। आप सब लोग जो सवाल को पूछ रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है, और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है, और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है, और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है। और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है, लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है, कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग, गरीब लोग मरने जा रहे हैं, और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं करती। शराब आ रहा है, बन रहा है, तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब, देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीजों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है, केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है। कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी विषय पे, गंभीर विषय पे वो बोलते नहीं है। अब तो कितना दिन हो गया, प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रेस से बात नहीं करते, सवाल नहीं लेते। कितने दिन हो गए अब तक मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए? चाहे कितनी से बड़ी से बड़ी घटना हुई हो, चाहे कितना भी गर्म मुद्दा हो, आज तक किसी विषय पे मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। और उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं, कुछ बोले ना बोले, कार्रवाई करे ना करे, लेकिन कम से कम जो जिनकी हत्या की गई है, जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से,
कम से कम वो संवेदना तो कम से कम प्रकट करे, दुख तो जाहिर करे। और कौन से वरीय अधिकारी को इन्होंने कार्रवाई की है भाई? कानून तो बड़ा लंबा चौड़ा बनाया गया है, लेकिन उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? और नहीं हो रहा तो किसकी जिम्मेवारी है? केवल समीक्षा बैठक का ढोंग करके, केवल फोटो खिंचवा के प्रेस में रिलीज डलवा दिया जाता है। होम डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, डीजीपी नहीं रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का हाल है। अभी कुछ दिनों पहले ही होम गृह मंत्रालय की समीक्षा हुई, उसमें ना तो डीजीपी है ना चीफ सेक्रेटरी है। ये स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमको चिंता होती है, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, और हमसे ज्यादा कोई सम्मान उनको नहीं देता है ना कोई करता है। लेकिन एक बड़ा साजिश चल रहा है उनके खिलाफ, पता नहीं क्या खिलाया पिलाया जा रहा है। हजारों करोड़ों की योजनाओं में एक कमरे में बैठा दिया जाता, वहीं से सब कुछ करा दिया जाता, 15 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया जाता प्रोग्राम, किसी पे कुछ नहीं बोलते। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अब हम लोग सब लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक उम्र हो चुका है, उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, लेकिन जब बात आती है सरकार की चलाने की, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार चलाने लायक अब नहीं रह गए। अब उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप लोग सब लोगों ने देखा, घर में घुस के गोली मारा जाता, कितनी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई है, अपहरण हो रहा है डेली, एक दिन नहीं है जहां बैंक रॉबरी नहीं होती, इस पे भी कुछ नहीं। तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार अब सुरक्षित नहीं है, और पूरी तरीके से एनडीए की सरकार जो है, जो इनको 10 महीने हुए हैं सरकार चलाते हुए, डबल इंजन की सरकार, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। एक नहीं दो दो डिप्टी सीएम है भाजपा के, और दोनों की 10 महीने में एक उपलब्धि कोई बता दे तो मान जाए, कोई उपलब्धि नहीं। दिन भर गाली देना लालू जी को हमको, अरे हमको गाली देना है दीजिए, उसका हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन बिहार के हित के लिए तो कुछ काम कीजिए। क्या काम कर रहे हैं भाई आप लोग? जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको हम लोग बोले शेड्यूल 9 में डाल दो, तो यहां तो कोर्ट जाकर के भाजपा के लोगों ने आरक्षण ही खत्म करा दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के, मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए। जो जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई 65% और 10% EWS का रखा, यानी टोटल 75%, इस पर भी कुछ चुप्पी एकदम मुख्यमंत्री अब बोल नहीं। इतना बड़ा निर्णय था, घूम घूम करके हम लोग गए, प्रधानमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री खुद गए साथ हमारे, कि जाति आधारित गणना करिए। अब क्यों चुप है भाई? आप तो पूरे देश में चाह रहे थे, अब तो आपके पास केंद्र में आप पार्ट है सरकार का, तो आप पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे? तो कोई भी विकास का काम जो है बिहार में हो नहीं रहा। केवल जो है आप देखिएगा, बाढ़ जो आया, बाढ़ में भी क्या स्पेशल पैकेज मिला बिहार को? 7-8 में कोसी में जब भयावह बाढ़ आई थी, तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी, लालू जी रेल मंत्री थे, वो लोग आए थे, 1000 करोड़ का पैकेज दिया था केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए 2007-08 में। इस बार कितना मिला आप बता दीजिए? किस बात का डबल इंजन का सरकार है? ये लोग केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सत्ता में बैठ के मलाई खाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के हित के लिए ना गरीबी पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना पलायन पे बात करते हैं, ना निवेश पे बात करते हैं, ना कारखानों के बारे में बात करते हैं।
17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकली है अब तक कोई बहाली नहीं हो पाया उस पर 10 महीनों में, अब तक नहीं हो पाया। कई विभाग आप देख लीजिए खोल के पदे रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी ने रोका उसको कि थोड़े दिन में करेंगे। पब्लिक हेल्थ कैडर लगभग 1.5 लाख लोगों का उसमें वैकेंसी है, वो अब तक नहीं हो पा रहा। तो ये सरकार केवल जो है अपनी चिंता करती है, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना, डरा धमका करके सरकार बनाना, यही काम रह गया। ना बिहार की चिंता, ना बिहार के लोगों की चिंता। तो अगर और कोई सवाल आप लोगों का होगा। जिलों की बात छोड़ दीजिए, पटना राजधानी में शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई, बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया, क्या कहेंगे? देखिए इक्का दुक्का चीज है, पकड़े हैं पूरे बिहार में है कि अब शराब आ कहाँ से ना? जब तो कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना कि भाई अगर बॉर्डर पे अगर शराब अंदर घुस रहा है तो वो आ कहाँ से? मेन जो लोग हैं, बड़े बड़े जो मछलियां हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। और 100 ट्रक एंट्री करा दीजिएगा, एक को पकड़ लीजिएगा, उसमें अपना उपलब्धि मानिएगा। तो सब खेल जो है बिहार के लोग सब लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार से। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये विषय जो है, इस विषय पे हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम सब लोगों की कोशिश रही है, हम सब लोग ये भी चाहते हैं कि नशा मुक्त हो बिहार। शराब बंदी है लेकिन शराब उपलब्ध है, लेकिन और भी नशा की जो चीजें हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, वो उसकी भी जो चीजें जो हैं वो बिहार में बढ़ गई हैं, काफी और भी नशा हो रहा है।